नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक बात लाइव देख रहे हैं आप। एक बार फिर से केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि केंद्र में एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और ऐसे में समय समय पर भाजपा सरकार पर उनकी नीतियों को लेकर के सवाल खड़े होते रहते हैं। लेकिन इस बार सवाल जो है अलग खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बीसीसीआई के सचिव हैं जैसा, जो कि बिहार, जो आपको देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके पुत्र हैं। ऐसे में बीसीसीआई के सचिव जो जैसा हैं, वे आए तो थे महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में एक बड़ी सूचना देने के लिए, लेकिन अपने अंदाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसके बाद लगातार सवाल का सिलसिला शुरू हो गया। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष के साथ साथ क्रिकेट प्रेमी भी इस बात पर सवाल खड़ा करना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि उनके इस 26 सेकंड के वीडियो, यानी कि हम बात कर रहे हैं अमित शाह जी के जो बेटे हैं जैसा जी, उनका जो है 26 सेकंड का वीडियो, जिसमें वो इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि जो पूर्व जो कप्तान रहे हैं टीम इंडिया के महेंद्र सिंह धोनी जी, वे अब टीम इंडिया के T20 टीम का को जो है मेंटर करेंगे। तो ऐसे में वे जब सामने आते हैं, अपनी बातों को इंग्लिश में रखते हुए दिखते हैं, तो उनकी इंग्लिश देख करके लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर मीम पेजेज पर उनका ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, और वायरल होने के साथ ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके बारे में विनोद कापी जी ने ट्वीट किया है। विनोद कापी जी ने लिखा है, जैसा 26 सेकंड, सिर्फ 26 सेकंड भी ठीक से बोलने में असमर्थ हैं, ऐसी ही प्रतिभाओं को तो नरेंद्र मोदी जी निखार रहे हैं। यानी कि जो अमित शाह जी के जो पुत्र हैं जैसा, वो अपने इंग्लिश की वजह से ट्रोल हो रहे हैं, बीसीसीआई के सचिव है। ऐसे में विनोद कापरी जी ने उन पर एक बड़ा सवाल किया है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसी ही प्रतिभाओं को उभार रहे हैं, क्योंकि वे 26 सेकंड भी बोलने में असमर्थ हैं। अब इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव जी की जो पुत्री हैं रोहिणी आचार्य जी, उन्होंने ट्विटर पे बिगुल फूंक दिया है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य जी ने विनोद कापरी जी के इस ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा है कि मेरी माँ को अनपढ़ बोलने वाला गोदी मीडिया इस पे क्या बोलेगा, ये तो पढ़ा लिखा विद्वान है ना। एक सवालिया लहजे में रोहिणी आचार्य जी ने तमाम लोगों का जो है पोल खोल के रख दिया है। इसमें एक बड़े सवाल उन्होंने किए हैं, तीखे सवाल किए हैं, और उन्होंने कहा है कि लोग जो है हमारी माँ, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी जी, उन्हें अनपढ़ कहा करते थे। इसके बाद जब ऐसा जैसा जी का ये वीडियो आता है, अमित शाह जी का ये वीडियो आता है, तो गोदी मीडिया इस पर चुप क्यों है, ये सवाल रोहिणी आचार्य जी ने कहा। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि ये तो पढ़ा लिखा विद्वान है ना, अगर पढ़ा लिखा विद्वान है तो फिर ऐसा क्यों कि जो है 26 सेकंड के एक वीडियो में अनाउंसमेंट करने में उन्हें जो है, जो आपको बता दें कि सब तरह का जो उन्हें सब चीजें झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें सोशल मीडिया पर जो जैसा जी का जो जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है, मीम पेजेस पर वायरल हो रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, और लगातार इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या कुछ जवाब आता है। अब जुड़े रहे बात लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें, और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।